दूसरा, अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहते हैं या किसी और को सिखाना चाहते हैं कि कैसे वो अपने आप को डिसिप्लिन करे, तो दो तीन बातें क्या करने की जरूरत है। एक, सबसे पहले कि इसकी क्या आवश्यकता है, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। अगर हम किसी को ये बताएं कि ये करो, लेकिन ये नहीं समझा कि इसको करने से क्या लाभ होगा, नहीं करने से क्या नुकसान होगा, बैठाते हैं कोई करने के तैयारी नहीं होता। सो फर्स्ट थिंग जो किसी को अगर सिखाना है वो ये है कि व्हाई इज डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, व्हाई इज डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट। और डिसिप्लिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसिप्लिन से हम मन को फोकस करना है, मन को एकाग्र करना है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन पर्सनालिटी, डिसिप्लिन माइंड एंड कंट्रोल। डिसिप्लिन माइंड जो है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पर्सन, वेयरएज अनडिसिप्लिन माइंड इज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। तो जितना अधिक आपका मेंटल फोकस होगा उतना आप सक्सेसफुल होंगे। इसके लिए सबसे साधारण उदाहरण है कि जैसे सूरज की रोशनी है, उसमें कुछ गर्मी रहती है, बट वो किसी चीज को जला नहीं सकती, लेकिन उसी में आप एक लेंस लगा देते हैं और नीचे पेपर है, तो लेंस से वही सूरज की रोशनी फोकस होकर भस्म कर सकती है। सो दैट इज हाउ दिस माइंड ऑल्सो, इफ इट इज स्कैटर्ड, कई चीजों में मन भटक रहा है तो उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन आप उसी को फोकस करते हैं, यानी एक समय पर जो काम आप करना चाहते हैं आप मन को उस काम पर लगाने की कला को सीख लेते हैं, तो आप अपने जो मेंटल एनर्जी है उसको अभी फोकस करते हैं। तो एक तो डिसिप्लिन की क्या जरूरत है, एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन, एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन और माइंड, और इसमें कई सारे मेडिटेशन टेक्निक्स भी हैं जिससे आपको फोकस अवर माइंड एंड रिड्यूस द मेंटल स्ट्रेस। दूसरा, हमने से प्रत्येक में ये एबिलिटी है, ये क्षमता है कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कई बार जो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते हैं उनके पास ये बहाना रहता है कि मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे लिए वो क्षमता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम सब में अपने आप को चेंज करने की क्षमता है, तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, डिसिप्लिन, यू बिकम परफेक्ट इन डिसिप्लिन बाय डिसिप्लिन, करते करते ही आप डिसिप्लिन। तो इसलिए इसके लिए एक, अगर हम किसी हम सपोज एक अपने जीवन में कोई चेंज ला रहा है, समझ लीजिए रोज आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं क्योंकि आप होंगे और आपको पता है कि रोज अगर मैं वॉक करूंगा या कुछ करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, योगासन करूंगा, तो मेरे लिए फायदा है, लेकिन रोज सोचने के बावजूद आप नहीं करते, कोई ना कोई आपको बहाना मिल जाता है, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो कैसे आप अपने आप को प्रेरित करें। तो उसमें आप अपने आप से ये अफर्म करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी चीज है आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। सेकंड, आई मस्ट डू इट, और तीसरा, आई कैन डू इट। ये अफर्मेशन आपको आई हैव टू डू इट, आई मस्ट डू इट, आई कैन डू इट। तो इस तरह से अपने आप को जब आप याद दिलाएंगे कि आपने वो कैपेसिटी है, तब आप कुछ भी डिसिप्लिन को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।